everyone, a very warm welcome to PW. I am Samriddhi, your biology mentor, and I welcome you to PW Experiment World. So, aaj ke session mein hum experimentally prove karenge that starch is present in the leaves. But ma'am, leaves mein ye starch aaya kahan se? Very good question, Simi. हम सभी को पता है कि प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब फटाफट से फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। विद द हेल्प ऑफ CO2 प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हमारे लीव्स के अंदर ग्लूकोज फॉर्म होता है, बट आफ्टर सम टाइम यही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट ने जो फूड बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में, वो उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अगर हम आज ये प्रूव कर दें कि प्लांट के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, तो इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में। मैम, क्या ये स्टार्च सभी लीव्स में प्रेजेंट होता है और हम कैसे मान लें? यस सिमी, हर उस प्लांट में जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है। एंड आज ये चीज हम एंड आप दोनों मिलकर प्रूव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी फन एक्टिविटी या फिर एक्सपेरिमेंट जो कि हम अभी परफॉर्म करने वाले हैं। फटाफट से देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमको लीफ तो चाहिए, बट उसके अलावा और भी सामान चाहिए। देखते हैं क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। हमको चाहिए डीकलराइजिंग एजेंट जो कि है हमारा इथेनॉल। उसके अलावा वी विल बी रिक्वायरिंग आयोडीन सॉल्यूशन, वी नीड फॉर्सेप, ड्रॉपर। ये सारा मटेरियल हमको मिलने वाला है फंडू एक्सपेरिमेंट किट में। अदर देन दिस हमें कुछ कॉमन चीजें चाहिए जैसे कि टेस्ट ट्यूब स्टैंड में टेस्ट ट्यूब्स। वी विल बी नीडिंग अ पेट्री डिश जो कि हमको मिलने वाली है इनोवेशन किट में। इसके अलावा कुछ मटेरियल हमें अपने घर से भी चाहिए होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें चाहिए लीव्स एंड हमें चाहिए बॉइलिंग वाटर। एंड बिकॉज यहाँ पे हम बॉइलिंग वाटर यूज कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। सो फॉर दैट पर्पज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्लव्स अच्छे से वेयर कर लें एंड फटाफट से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें। सो वी आर रेडी नाउ, सो फटाफट से एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ले लेनी है एक छोटी सी लीफ, सो वो लीफ इजीली हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर चली जाए। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि हम अपनी इस लीफ को डाल देंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब बेसिकली सबसे पहले हमको क्या करना होगा बेटा, इस लीफ का जो ग्रीन कलर है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाई दिस लीफ इज ग्रीन इन कलर? मैम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता है। मैम हमारी लीव्स ग्रीन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। वेरी गुड सिमी, हमारी लीफ ग्रीन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम इस लीफ का ग्रीन कलर यानी कि इसका सारा का सारा क्लोरोफिल रिमूव करने वाले हैं, यानी कि सारा का सारा कलर निकालेंगे। नाउ बिकॉज वी नीड टू रिमूव कलर, वी नीड टू यूज द डी कलराइजिंग एजेंट जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। फटाफट से इस लीफ में डाल देते हैं डी कलराइजिंग एजेंट को। सो बेटा वी हैव टेकन लीफ एंड डीकलराइजिंग एजेंट हियर एंड मेक श्योर कि आप इसको बहुत ज्यादा ना फिल करें, जस्ट मेक श्योर कि आपका जो लीफ है वो इसमें प्रॉपरली डिप हो जाए। एक्सपेरिमेंट किट में आपको ढेर सारा डीकलराइजिंग एजेंट मिल रहा है, इफ इन केस आपका एक बारी में एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता है तो यू कैन यूज दिस अगेन। सो वी हैव इथेनॉल यानी कि डीकलराइजिंग एजेंट एंड लीफ हियर। अब सो मेक दिस प्रोसेस इवन बेटर, हम क्या करेंगे, हमने ये जो बॉइलिंग वाटर लिया है अपनी इस टेस्ट ट्यूब को, वी विल लीव दिस इन द बीकर। सो एज यू कैन सी हियर
मैंने यहाँ पे हमारा टेस्ट ट्यूब जिसमें डीकलराइजिंग एजेंट एंड लीफ है उसको मैंने बॉइलिंग वाटर में डिप कर दिया है. नाउ वी विल लीव दिस फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes एंड फिर देखते हैं 10 to 15 minutes बाद क्या चेंजेस आते हैं इस लीफ में. मीट यू आफ्टर 10 minutes. Hi Simi, we are back after 10 minutes. देखते हैं कि हमारी लीफ का कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ. सो फॉर दिस हमें डायरेक्टली लीफ को टच नहीं करना है. वी विल बी यूजिंग फॉर्सेप. हम बहुत ही केयरफुली इसको बॉइलिंग वाटर से बाहर निकालेंगे. मेक श्योर यू आर वेयरिंग ग्लव्स. फॉर्सेप की मदद से बेटा हम क्या करेंगे, हम इस लीफ को बाहर निकालने वाले हैं. तो मैंने यहां पे फोर्सेप से अपनी इस लीफ को बाहर रिमूव कर लिया है. नाउ आई विल बी ट्रांसफरिंग दिस लीफ इनटू द पेट्री प्लेट एंड यू कैन क्लियरली सी कि हमारा ये जो डीकलराइजिंग एजेंट है इसमें सारा का सारा ग्रीन कलर रिमूव होके यहाँ पे आ गया है. अब हम इसको रिमूव करके साइड में रख देते हैं. नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन आर लीफ जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली वाइट कलर की हो चुकी है. अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारा आयोडीन सॉल्यूशन. हमारे स्टार्च के प्रॉपर्टी होती है, हम स्टार्च की अगर हम प्रेजेंस को चेक करें तो वी विल बी यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन. तो होता क्या है बेटा, जैसे ही हमारा स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कॉन्टैक्ट में आता है इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द कलर. तो यहाँ पे क्लोरोफिल तो रिमूव हो गया है बट लीफ के अंदर क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुई होगी एंड ग्लूकोज बना होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ होगा स्टार्च में. तो देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं एंड वी विल बी यूजिंग दिस आयोडीन सॉल्यूशन. सो हमको यहाँ पर क्या करना है, हम बहुत ही थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉपर की मदद से बाहर निकालेंगे एंड हम डाल देंगे हमारी लीफ के ऊपर. लेट्स यूज अ लिटिल मोर. Wait for some time. So here, when we added iodine solution, हमारा starch ने इसके साथ react किया and यहाँ पे you can see it has turned blue black in the color. आप clearly देख सकते हो बेटा हमारी जो leaf है वो blue हो चुकी है. ये लीफ कैसी थी, ये लीफ पहले थी हमारी ग्रीन, हमने उसको कन्वर्ट किया बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट लीफ में एंड नाउ इट हैज बिकम ब्लू बिकॉज हमारे आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है एंड इट टर्न्स इट इनटू ब्लू ब्लैक इन द कलर. सो एक्सपेरिमेंट इज डन. आज का लर्निंग आउटकम क्या है, आज का लर्निंग आउटकम ये है कि जब भी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो उस प्रोसेस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं बाय फॉर्मिंग ग्लूकोज. जब ये ग्लूकोज बहुत सारा बन जाता है तो प्लांट उस फूड को, उस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर लीव्स एंड उसी स्टार्च की प्रेजेंस को आज हमने ऑब्जर्व किया बाय परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. हमने यहाँ पे मेजर यूज किया डीकलराइजिंग एजेंट का जिसको हमने यूज किया था लीव्स के ग्रीन कलर को रिमूव करने के लिए. हमारी लीफ हो गई थी एकदम कलरलेस. उसके बाद हमने यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया. आयोडीन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है हमारा एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट या फिर ब्लू कलर का एक चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं. ऐसा ही हमारे साथ एक्सपेरिमेंट में भी हुआ. हमारी लीफ जो ग्रीन से कलरलेस हो गई थी उसको हमने जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया
इट टर्न्ड ब्लू ब्लैक एंड इसी से हमने प्रूफ कर दिया कि हमारी लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। आई होप आज का ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा एंड आई होप कि आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी घर पे ट्राई करने वाले हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर एक्सपेरिमेंट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।